गाड़ी फंसी हुई है पिछले 1 घंटे से। ये कैंपर है, ये खींचेगी यहाँ से। यहाँ फंसी हुई गाड़ी और वो आ रखी कैंपर। रस्सी टूट चुकी है, भैया बांध रहे हैं अभी। मजा ऑलमोस्ट सजाएं बदल गया। बरसात होने की वजह से मिट्टी के कारण गाड़ी फंसी हुई है पिछले 1 घंटे से, तो फाइनली टो करेंगे अब। ऊपर कैंपर आई हुई है वो यहाँ से देखिए। बरसात होने की वजह से यहाँ पे एकदम कीचड़ हो गया है, बिल्कुल मिट्टी ऐसी हो गई कि गाड़ी फंस रही है। तो लोकल में ही आसपास के लोगों ने यहाँ पे हेल्प किया और गाड़ी निकालने का ट्राई कर रहे हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स कैसी मिट्टी है नीचे, देखिए बरसात की वजह से हुआ है सब कुछ। पूरा रास्ता कीचड़ से खराब हुआ है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, यहाँ फंसी हुई गाड़ी और वो आ रखी कैंपर जो टो करेगी इसको, होपफुली यहाँ से निकल जाएं। होली का ओवरऑल एक्सपीरियंस मिक्स्ड ही रहा हमारा, बहुत अच्छा भी नहीं रहा, बहुत ख़राब भी नहीं रहा। बस ये लास्ट हर्डल है, यहाँ से बद्रीनाथ साइड निकलते हैं। थोड़ा थोड़ा आसमान खुल रहा है पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि थोड़ी देर में फिर से बंद ना हो जाए। देखिए ऊपर यहाँ पे बर्फ़ की चोटी दिख रही है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं यहाँ पे जो दिख ही नहीं पाई। सामने नंदा देवी था जो आपको हम कुछ भी नहीं दिखा पाए क्योंकि एकदम गलत टाइम पे हम यहाँ पहुँचे हैं। अब निकाल रहे हैं गाड़ी। ये कैंपर है, ये खींचेगी यहाँ से। रस्सी टूट चुकी है, भैया बांध रहे हैं अभी। अब छोटी रस्सी से खींचेंगे, बड़ी से हो नहीं पा रहा है शायद, टायर सीधे रखना है इनको। सिचुएशन कभी कभी पैनिक भी लगती है। हाल है पूरी रोड का, मिट्टी मिट्टी। एक तो कच्ची रोड है, ऊपर से बारिश पड़ने की वजह से पूरा दलदल हो चुका है। ऑलमोस्ट आधे तक तो आई गई है, अब सिंगल रस्सी और पतली वाली रस्सी ट्राई कर रहे हैं। पहले मोटी रस्सी से खींचा था। ये कैंपर पहले इस साइड थी, अब इस साइड आई है ताकि गाड़ी ऐसे इस साइड को मुड़े।
देखिए मैं तो थोड़ा पैनिक भी हो जाती हूँ। फाइनली ऊपर आ गई है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों मजा ऑलमोस्ट सजाएं बदल गया। अभी हमें थोड़ा सा मेन रोड में आ ही गए हैं। मेन रोड में तो आ गए पर बिल्कुल तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। क्योंकि गाड़ी मतलब निकालना बहुत बड़ा काम हो गया एक्चुअली यहाँ से ना। जय भोलेनाथ, फाइनली निकली तो सही। ठीक है दोस्तों, आज का हम सफर अब स्टार्ट करते हैं। अभी नीचे जाके पता करते हैं अगर नीति वाला नीति साइड का भी खुला होगा तो। अभी मतलब बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू है, अभी हम बद्रीनाथ साइड भी जा सकते हैं, जोशीमठ जाके पता करते हैं और नीति वैली भी जा सकते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे पता कर लेंगे, है ना। एग्जैक्टली तो थोड़ी सी गाड़ी भी धुलवानी पड़ेगी क्योंकि गाड़ी तो एकदम मतलब रंग बदल गया इसका। टायर भी एकदम टायर में भी बिल्कुल मतलब मिट्टी घुस गई है, इस वजह से ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और आपने देखा ही यार कितनी मतलब मशक्कत करनी पड़ी। एक्चुअली हम पिछले 10 बज गए हैं तो हम अराउंड 7 बजे से ही ट्राई कर रहे हैं, मतलब अराउंड हमको 3 घंटे लग गए हमारी नेक्सॉन को निकालने में। और लोग बता रहे थे कि एक्चुअली गाड़ी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मिट्टी का। मिट्टी बहुत चिकनी है यहाँ पे और उसमें पत्थर है ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत पत्थर भी होते तो थोड़ा सा ट्रैक्शन बनना था पर पत्थर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें मशक्कत करनी पड़ी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉइंट था जहाँ पे हमने पिछली बार जब आए थे बर्फ में हमने गाड़ी डाली थी और यहीं से ऊपर ओलिस की रिजॉर्ट है तो वहाँ भी हम गए थे। और इससे आगे रोड भी नहीं थी, अभी बनी है अच्छी रोड। हाँ मतलब पिछली बार तो रोड इतनी खराब थी, बर्फ में तो चलो फिर भी ट्रैक्शन बना लेती गाड़ी पर रोड नहीं थी पिछली बार। अब इस बार रोड है, यहाँ ऊपर स्की रिजॉर्ट है ओली का और बहुत ऊपर जाके गॉडसन बुग्याल आता है, जो ये केबल कार्स जा रही है वो ऊपर तक जाती है। तो दोस्तों पहले हम ट्राई करते हैं अभी गाड़ी धुलवाने का, क्योंकि गाड़ी थोड़ी धुल जाएगी तो ही इसमें अच्छा लगेगा। मतलब मुझे सुबह सुबह लगा कि यार क्या ही प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि नेक्सॉन को तो मतलब मैं कहाँ कहाँ ले गया हूँ और कभी इसने कोई दिक्कत की नहीं है तो क्या ही दिक्कत करेगी। बट मैं भी कैसे कैसे सिचुएशन में निकाली, कहीं भी ये जा सकती है गाड़ी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ तो 4x4 काम नहीं कर रही थी ढंग से तो इसने तो कैसे ही काम करना था। पर कोई बात नहीं, जय भोलेनाथ आपने निकला दिया हमको। मौसम भी ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बारिश आ रही थी, क्योंकि आज भी पूरा पूरा बारिश का चांस बताया हुआ, सबसे ज़्यादा बारिश आज बताई है कि होने वाली है। दोस्तों यही है, थैंकफुली निकल पाए हम। अब हम जा रहे हैं जोशीमठ की तरफ, तो मिलते हैं आपसे जोशीमठ में।